जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास टेंथ के इंग्लिश के फर्स्ट फ्लाइट बुक के पोएट्री का पोएम नंबर 5 है, दी बाल पोएम बाय जॉन बेरीमैन। इसका आज हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस में शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। इसे हम लोग करेंगे विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो आइए बिना देर के हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, What does John Berryman want to convey through this poem? John Berryman इस कविता के द्वारा क्या बताना चाहते हैं? तो इसका आंसर होगा, Poet John Berryman wants to convey the importance of loss and responsibility in life. यानी कवि John Berryman जीवन में नुकसान और जिम्मेदार के महत्व को बताना चाहते हैं। We all should learn our responsibility and how to cope up with the loss। यानी हम सभी को अपनी जिम्मेदारी सीखनी चाहिए और नुकसान का सामना कैसे करना है ये आना चाहिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, मनी इज एक्सटर्नल, यानी पैसा बाहरी है। व्हाट डज द पोएट मीन बाय दिस एक्सप्रेशन, यानी इस अभिव्यक्ति के द्वारा कवि का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा, द पोएट मेक्स द बॉय अंडरस्टैंड अबाउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द लॉस इज इमटेरियल। यानी कवि अपनी जिम्मेदारी के बारे में लड़के को समझाता है क्योंकि नुकसान अभौतिक है। मनी इज एक्सटर्नल एज इट कैन नॉट बाय मेमोरीज नॉट कैन इट रिप्लेस द थिंग्स दैट वी लव द थिंग्स दैट रियली मैटर। पैसा बाहरी है क्योंकि यह यादें नहीं खरीद सकता है और न ही यह उन चीज़ों को बदल सकता है जो हमें प्यारी हैं, वे चीज़ें जो वास्तव में मायने रखती हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डिड द बॉय फील सो सैड एट द लास्ट ऑफ हिज बॉल, यानी गेंद के खो जाने पर लड़का को इतना दुख क्यों हुआ? इसका आंसर होगा, व्हेन द बॉय लॉस्ट द बॉल ही प्लंज्ड इन ग्रीफ, यानी जब लड़के ने गेंद खो दी तब वह शोक में डूब गया। ही स्टूड स्टीयरिंग डाउन द हार्बर वेयर हिज बॉल वॉज लॉस्ट, द बॉय वॉज अफेक्टेड प्रोफाउंडली बाय द लॉस ऑफ हिज बॉल because it had been with his for a long time। यानी वह उस बंदरगाह को खड़ा हुआ घूर रहा था जहाँ उसकी गेंद खो गई। अपनी गेंद खो जाने से लड़का बुरी तरह प्रभावित हुआ क्योंकि वह लंबे समय से उसके साथ थी। इट वॉज लिंक्ड टू द मेमोरीज ऑफ द डेज वेन ही प्लेड विथ इट, यह गेंद उन दिनों की यादों से जुड़ी थी जब वह इसके साथ खेलता था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन द टाइटल ऑफ द पोएम द बाल पोएम, यानी प्रस्तुत कविता द बाल पोएम के शीर्षक के विषय में अपने विचार व्यक्त करें। इसका आंसर होगा, द बाल पोएम वॉज रिटन बाय जॉन बेरीमैन। इन द पोएम ही डिस्क्राइब्स हाउ अ लिटिल बॉय मॉन्स ओवर फॉर हिज लास्ट बॉल। यानी द बाल कविता जॉन बेरीमैन द्वारा लिखी गई थी। कविता में यह बताता है कि कैसे एक लड़का अपनी खोई हुई गेंद के लिए शोक मनाता है। द इंटेंशन ऑफ द ऑथर इज टू एक्सप्रेस दैट नथिंग इन दिस वर्ल्ड इटर्नल, समटाइम्स वी माइट हैव टू लॉस द थिंग्स वी लव बट वी जस्ट हैव टू लर्न टू स्टे स्ट्रांग एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। लेखक का इरादा यह व्यक्त करना है कि इस दुनिया में कोई भी शाश्वत नहीं है, कभी कभी हमें उन चीज़ों को खोना पड़ सकता है जिन्हें हम प्यार करते हैं, लेकिन हमें बस मजबूत रहना और जीवन में आगे बढ़ना सीखना होगा। इसमें फाइव नंबर क्वेश्चन है, व्हाट शो दैट द बॉल वॉज वैल्यूएबल फॉर द बॉय, क्या दर्शाता है कि किस प्रकार गेंद लड़के के लिए महत्वपूर्ण थी? इसका आंसर होगा, द बॉल वॉज वैल्यूएबल फॉर द बॉय इज ऑब्वियस क्लियर फ्रॉम द वे ही रिएक्ट्स, यानी गेंद उस लड़के के लिए मूल्यवान थी जो कि स्पष्ट रूप से दिखाई देता है जब वह गेंद खो जाने के बाद प्रतिक्रिया देता है। आफ्टर लूजिंग इट ही वॉज शॉक्ड रिमेंड फिक्स्ड ट्रेम्बल्ड विथ ग्रीफ स्टीयरिंग एट द प्लेस वेयर द बॉल हैड फॉलन, जैसे वह हैरान था स्थिर रहा उस स्थान पर दुख से कांप रहा था जहाँ पर गेंद गिरी थी। ऑल दिस शो दैट ही लव्ड द बॉल एंड इट वॉज वैल्यूएबल फॉर हिम, यह सब दर्शाता है कि वह गेंद से प्यार करता था और यह उसके लिए मूल्यवान थी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।